सब्सक्राइब टैग टीवी youtube चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन पटन वेलकम व्यूअर्स अनीस फारूकी प्राइम टाइम की एक एपिसोड लेकर ऐसे मौके पर आया है जबकि सब कॉन्टिनेंट में एक इन्वायरमेंट क्रिएट हुआ हुआ है जिसे लोग जश्न आज़ादी योम आज़ादी इंडिपेंडेंस डे के नाम से 14 और 15 अगस्त को मना रहे हैं और आज हमारी इस गुफ्तु में यही एक ऐसा मुद्दा होगा कि जिस पे हम आपको अपना अपना तबसरा अपनी कमेंट्री और अपने एंगल एक डिफरेंट जावी से बताएंगे आ, साथ साथ हम ये भी तर, आ, एक तजिया करने की कोशिश करेंगे कि क्या खोया क्या पाया बड़ा इम्पोर्टेंट बात होती है कि जब हम आ, किसी भी एक एग्ज़ाम से गुजर रहे होते हैं तो उसका रिज़ल्ट भी आता है कि पास हुआ फ़ेल हुआ क्या हुआ तो ताहिर गोरा साहब को खुश करते हैं वेलकम सर थैंक यू वेरी मच सर आपने बड़ा वो जो चुपता हुआ सवाल मगर ये सवाल हमेशा हमारी तारीख में आ, कोई नया तो नहीं है कि क्या खोया क्या पाया जी आज चौदह पंद्रह अगस्त को जब साउथ एशिया के ये दोनों बड़े मुल्क ख़ास तौर पर भारत और उससे पार्टीशन के नतीजा में आने वाला रिलेटिवली बहुत छोटा मुल्क पाकिस्तान जब अपनी इंडिपेंडेंस की बात करता है तो मुझे ये लगता है कि इस 2020 में तो एक नया इंडिपेंडेंस डे भारत के लिए ज़रूर आया वो पाँच अगस्त आया जी, जी. पाँच अगस्त को जिस शदोमत के साथ भारत में मनाया गया और जिस तरह का रोना धन धोना पाकिस्तान में रहा जी तो मुझे तो ये लगता है कि ये अब चौदह पंद्रह अगस्त से ज़्यादा बड़ा मामला पाँच अगस्त का वो तो एक इतफ़ाक है कि बांग्लादेश का वाक़ अगस्त में नहीं हुआ जी वरना वो भी एक और वो भी इसी अगस्त होता आज वो भी इसी महीने के साथ जुड़ जाता सही वो बाबा कायद आजम के जन्मदिन के साथ वाले महीने में जुड़ा हुआ जुड़ा हुआ ठीक है जी ना? तो देखिए पाँच अगस्त को जिस तरीके से भारत ने एक नई तरह की इंडिपेंडेंस मनाई दो बड़े वाक़ एक तो ये हुआ कि भाई कश्मीर का मसला वंस फॉर ऑल भारत की तरफ से सेटल हो गया सेटल हो गया ठीक है अब उसके कुछ जुजियात रह गए हैं भारत का कुछ और क्लेम है कि भाई ये रियासत जो है पूरी की पूरी हम पूरी की पूरी कभी बना देंगे पाकिस्तान का ये कहना है कि हम वो श्रीनगर तक जाएंगे ठीक है वो पहले जाया करते थे दिल्ली तक लाल किले में जाएंगे लाल किले में जाएंगे जहाँ मस्जिद में नमाश पढ़ेंगे अब जरा उन्होंने करीब कर दिया है ठीक है चूंकि दिल्ली दूर दिल्ली भी दूर है दूर हनूस वो दिल्ली हनुस दूर है ठीक है दिल्ली हनुस दूर है शुक्रिया दुरुस्त करने का तो वो मतलब दिल्ली दूर ही रहेगा हाँ वो ये था कि अमृतसर से जाएं पूरे पंजाब से गुजर के हरियाणा जाएं जी फिर दिल्ली आता था जी यहाँ से आप इन्होंने जो कहा उन्होंने कहा मुजफ्फर बाद यहाँ से सीधी जो सड़क का ना बल्कि वहाँ तक जाने की जहमत भी क्या करनी, एक सड़क का नाम ही श्रीनगर रख दो नजर है हाँ। अब दिल्ली पे उन्होंने ये भी कहा कि हम वो पहले जाम मस्जिद की बात करते थे ना जी अब वो कहते हैं कि अब हम नमाज पढ़ेंगे श्रीनगर की उन मस्जिदों में जो उनका ख्याल है बंद पड़ी हुई है ठीक है ठीक है तो अब ये इस तरह का नेरेटिव बन रहा है तो इस बहत्तर साल बाद भी सही बात एक ही कल्चर के हम लोग हैं एक ही भाषा बोलने वाले एक ही तरह के खाने खाने वाले एक ही तरह के म्यूजिक सुनने वाले, अगर ये बॉर्डर्स बन भी गए हैं है तो आप यूरोप की मिसाल देख ले की? कि यूरोप में सारा यूरोपियन कल्चर है ना बॉर्डर मैटर नहीं करते मैटर करते थे 45 तक तो सेकंड वर्ल्ड वॉर हुई है ठीक है ना सेकंड वर्ल्ड वॉर हुई है हाँ। तो 45 की सेकंड वर्ल्ड वॉर की खौफनाकियों के बाद हाँ। खुलना शुरू हुआ मामला दिव, दिव, और अब ये है कि उनको ये एहसास है कि भाई एक ही कल्चर है यूरोपियन कल्चर है यूरोपियन यूनियन है अब यूरोपियन यूनियन में भी थोड़ थोड़ी थोड़ी ये दरारें पड़ रही हैं कि वो जो इमिग्रेशन हो रही हैं दुनिया भर की ब्रेगजट की बात हुई कुछ और मुल्क कह रहे हैं कि भाई हम नहीं शामिल होंगे हुँ. वो एक अलग बहस है यहाँ पे जब अकंड वो अखंड भारत की बात होती है तो वो एकदम से हम घबरा जाते हैं खासतौर पर पाकिस्तानी बैकग्राउंड के कि पता नहीं ये यह हालांकि वो यूरोपियन यूनियन का ही है एक मॉडल है वो चलिए जी आप अखंड भारत आपको लफ्ज़ ज़रा मुश्किल लगता है तो यह आपको पसंद नहीं है तो छोड़ दीजिए लेकिन सब कॉन्टिनेंट जो पुराना था जी उससे तो आप बाहर नहीं जा सकते नहीं बिल्कुल वो तो एक ही कल्चर है तो इस सारी सूरत हाल में चौदह अगस्त पंद्रह अगस्त को जब हम बीस बीस में आज और मैं बैठे बात कर रहे हैं और आपकी और मेरी जिंदगी में हमने कम से कम मतलब अपने बचपन से अब तक पचास पचपन साल से तो देख ही रहे हैं जी तो, ये सारे तमाशे सारी बहारे देख ली ठीक है नहीं बहारें भी देख ली तमाशे भी देख ली ठीक अच्छा यहाँ पर आप कनाडा और अमेरिका में बैठे हुए वो पूरे का पूरा जो है ना जा गया बर्ड व्यू देख अच्छा हाँ वो पूरे का पूरा पैकेज भी आ गया हुआ है बैगेज भी आ गया बिल्कुल आ गया उसका एक छोटा सैंपल यहाँ पहुंचा हुआ है हाँ ठीक है हाँ। आप अमेरिका कहीं चले जाएं यूरोप कहीं चले जाएं तो वो वो आ गया हुआ है वो पांच अगस्त भी यहाँ पे अभी एक साल का ही वाक्य है जी वो भी पहुंच गया था जी तो जो पांच अगस्त पे इधर जो लोग खुश हो रहे थे इधर आधे लोग रो भी रहे थे हाँ वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं शोर डाल रहे हैं और अपनी तरफ से समझ रहे हैं किस तरह कश्मीर बनेगा पाकिस्तान कश्मीर पाकिस्तान बन जाएगा भाई जब ये इतने भारत ने सख्त इकदाम कर दिए उसके बाद भी आप कहते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान पाँच अगस्त से पहले तो इतने सख्त एक भी नहीं किए थे तो तब भी आप कश्मीर बन... को पाकिस्तान न बना सके जी तो जी। अब तो अब लेकिन जो अमित शाह और मोदी साहब और बीजेपी की सरकार ने ये यही वक्त चुन के क्या साबित किया ये इमरान खान के जमाने में ही करना था क्या इन्होंने नहीं उनकी दूसरी सरकार बनी थी इससे पहले जो है वो नवाज शरीफ भी थे और दूसरी सरकारें भी थी हमारी उनको क्या लगा कि ये इस वक्त बड़ा अच्छा मौका है अहल तरीन खिलाड़ी को बना दिया वज़ी अजम जिसको इस्टेट्स मैनशिप का पता ही नहीं है ऐसे मौके पर कर जाऊँ कुछ मेरा ख़्याल है कि शायद इनकी वजह से नहीं हुआ क्योंकि पहले टेनयर में उन्होंने नहीं किया था जी फिर इलेक्शन आ गए इलेक्शन जब भारत में आए तो उससे थोड़ा पहले ही इमरान ख़ान को सेलेक्ट किया गया था पाकिस्तान में इंस्टॉल किया गया था ठीक है हाँ। तो उसके बाद जब इलेक्शन आ गए तो इमरान खान की जो स्टेटमेंट्स स्टेटमेंट्स अहमकाना आयती चली जा रही थी फिर उन्होंने एक बार ये भी पुरुद स्टेटमेंट दी थी कि अगर मोदी जी रीअलेक्ट हो गए जैसा कि लगता हो ही जाएंगे तो शायद हमारे तलक़ात अच्छे हो जाएंगे वो फिर भी अच्छे भी बात बात नहीं बने चूंकि उनका भारत का भी ये कहना है कि भाई हम ये पुराने वाला भारत नहीं है कि आप ये कहें कि जी कश्मीर की बात चले साइड पर रखते हैं आइए हम टमाटर भी बेचते हैं आपस में क्रिकेट भी खेलते हैं चाय भी पीते हैं बॉलीवुड के गाने भी बनाते हैं और उसके अंदर बारूद भी रख देते हैं हाँ तो उन्होंने कहा कि ये नहीं होगा कि गोली बारूद के माहौल में दोस्ती नहीं चल सकती ये मोदी साहब ने एक हिस्टोरिक स्टेटमेंट दी थी अब उसको इंप्लीमेंट भी हो रहा है तो उनके जब दूसरी सरकार बनी तो उनके जो के मंजूर में था इस इलेक्शन का इलेक्शन प्रॉमिस था इस री इलेक्शन के प्रॉमिस में था, था।, था।, था। मंजूर में था, था कि भाई हम करेंगे ये बात तो वो वो बात उन्होंने कर दी अब वो हो गई है तो उनके लिए तो अब अगस्त में दो يوم आजादी हो गए ना ठीक है ठीक है और बड़ा वाक्या जो मैं बातचीत में भूल रहा हूँ इसलिए कि हमने पिछले दिनों उनका बहुत जिक्र किया दूसरा बड़ा अहम वाक्य जो भारत की आज़ादी के लिए मंदिर की तमीर जी अगरचे सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था महीनों पहले कह दिया था कि मंदिर बनेगा उसमें वो मुसलमान लीडरशिप भी जो उसके खिलाफ जिन्होंने रिट दायर की थी वो भी ऑन बोर्ड आ गए थे कि भाई ठीक है अब ये फैसला है क्योंकि वहाँ मुसलमान हो सिख हो हिंदू हो पारसी हो भारत में जो भी रहता है वो डेमोक्रेटिक ही होता है तो उन्होंने कहा ठीक है पाँच अगस्त को ही चुना गया मंदिर की राम मंदिर की बुनियादें रखने के लिए ठीक है ये भी भारत की एक बहुत बड़ी आज़ादी का दिन है ये कुछ छोटा वाक्य दो चीज़ें है। जो दो चीज़ों में से एक तो पाकिस्तान ने कश्मीर खोया जी हिंदुस्तान ने पा लिया फिर दूसरी बात यह कि जो हिंदुस्तान की अपनी एक बाबरी मस्जिद के हवाले से राम मंदिर के हवाले से एक पॉइंट था स्टैंड था जो कि हिस्टोरिक फैक्ट था उस उसकी फतह सच की फतह हुई ये उन्होंने पा लिया आ, और तीसरी बात यह है कि मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान की अगर मैं पूरे बहत्तर साल की तारीख देख लूँ तो उन्होंने जो सबसे अहम चीज़ पाई है वो है डेमोक्रेसी और सेकुलरिज्म ये एक गिवन आ, जिसे कहते हैं इनाम है किसी भी रियासत के लिए ख़ास तौर पर जब हम साउथ एशिया के हवाले से बात करते हैं और देखते हैं कि बराबर बराबर दोनों मुल्क हैं राइट right. राइट right? वी कुड नाट प्रोवेल्ड डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान राइट तो हमने वो खोया हमने वो ट्रस्ट खोया हमने वो पोलिटिकल निज़ाम खोया और हमने जो फ्यूडल सिस्टम है उसको ख़त्म ना करके बहुत बड़ा नुकसान उठाया बहुत कुछ खोया है पाकिस्तान ने 14 अगस्त जब आती है और आप देखते हैं कि पूरे मुल्क में टेलीविजन की हद तक तो मनाया जाता है गलियों सड़कों पे पर गलियों सड़कों में छोटी परचमें झंडियाँ बट चलता है लेकिन वो लोग सवाल नहीं करते हैं कि आज़ादी है क्या चीज़ आज़ादी को डिस्क्राइब कैसे करते हैं आज़ादी मैं समझता हूँ कि अगर आप सोचें कि एक रियासत बन जाती है उस रियासत का एक परचम बन जाता है उस परचम के साथ साथ आपको एक पासपोर्ट मिल जाता है तो ये तो एक आज़ाद रियासत की निशानियाँ हैं लेकिन उसमें रहने वाले कितने आज़ाद हैं वो सुख का सांस ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं वो बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते क्या वो अपने अपने फेथ के मुताबिक जाके इबादत कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? क्या वो जी सकते हैं क्या उन्हें जीने का हक हाँ है क्या उन्हें आ, सरकार के खौफ से ग़ायब तो नहीं कर दिया जाता तो फिर कहाँ की आज़ादी मेरा ये सवाल पता देखिए बात यह है कि अभी आपने बात की कि भारत ने डेमोक्रेसी और सेकुलरज़म बहत्तर साल में कायम किया डेमोक्रेसी तो एक हकीकत है कोई इनकार नहीं है सेकुलरिज्म के बारे में थोड़ी सी डिबेट जरूर करूंगा कि सेकुलरिज्म भारत में बहत्तर साल में सही तौर पर समझा ही नहीं गया ठीक है क्योंकि बेशर बहत्तर सालों में जो सरकार रही वो नेहरू खानदान की रही ठीक है मैं डिबेट नहीं करता कि उन्होंने कितने अच्छे काम किए या कितने बलंडर किए मैं सिर्फ सेकुलरिज्म पर बात करता हूँ सेकुलरिज्म के हवाले से उन्होंने अपीजमेंट की जो पॉलिटिक्स थी उसको सेकुलरिज्म बना दिया वरना सेकुलरिज्म के नाम पे ट्रिपल तलाक का बिल वो जो पहले था कि आप ट्रिपल तलाक दे सकते हैं वो तो नहीं हो सकता ना क्योंकि वो तो इस्लाम में खुद नहीं है परमिशन नहीं है कि आप इस तरह ट्रिपल तलाक दे सकते हैं जी। तो वो अपीजमेंट में वो तो यानी उन्होंने रिलीजन को स्टेट के अंदर घुसेड़ा हुआ था जी। पिछली सरकारों ने तो वो सेकुलरिज्म का जनाजा निकाला हुआ था वो तो पॉलिटिकल करेक्टनेस के नाम पे सेकुलर कर रहे थे अच्छा, अच्छा हम सबको खुश रखें सेकुलरिज्म का नाम पे ये था कि आप मुस्लिम पर्सनल ला भी हो आप चार चार शादियां भी कर सकते हो हुँ. और आप खड़े खड़े तीन तलाके भी दे सकते हो ताकि पांचवी शादी जाके कर सके हुँ, आप कुछ भी कर हो ये सेकुलरिज्म लेकिन इससे खुश किसको कर रहे थे वो अपने एक वोट बैंक वोट बैंक

फिर उसके बाद सेकुलरिज्म के नाम पे ड्रामेबाजी करने वाली एक सियासी नहीं बहुत सारी सियासी जमातें थे जी बिल्कुल ठीक उन सब ने जो हिंदू थे हैं जो उन सब को बिल्कुल दीवार के साथ लगा दिया हुँ, हुँ। और कहा कि आप अगर हिंदुजम की बात करेंगे आप हिंदू राष्ट्र की भी बात करेंगे तो आप एक्सट्रीमिस्ट हैं आप टेररिस्ट हैं

ये कश्मीर का जो था ऐसे ही खामखा का मसला लटका हुआ था खत्म हो गया हुँ. उसके बाद ये दो राम मंदिर वाला मामला था वो कोर्ट ने अगर वो कोर्ट ने किया बड़े सालों से वो चल रही जी, थी कार्रवाई तो कोर्ट ने भी महसूस किया कि भाई ये क्या है अच्छा जो रिसर्च भी की आर्कियोलॉजी जो स्टडी हुई उसमें सबसे इम्पोर्टेंट एक आर्कियोलॉजिस्ट हैं के के मोहम्मद साहब जी ठीक है ना जी के के मोहम्मद साहब एक इंडियन मुसलमान शहरी हैं तो उन्होंने कहा राम मंदिर ही था यहाँ वो तो सारी रिसर्च में सामने आ है। चुकी हैं तो वो। वो... अच्छा कोर्ट को, ने भी बड़ा अच्छा फैसला यूं दिया कि इन्होंने मतलब सिर्फ फैसला सुना नहीं दिया जी उनका चले आए बैठ के बात करते हैं और बताएं क्या चाहते हैं सब लोग तो जब सब एग्री हो गए फिर कोर्ट ने कहा कि दिस इज द दुनानिमस डिसीजन कोई मुल्क में अफरा तफरी नहीं हुई कोई लाठी गोली पत्थर नहीं चला सुकून से लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया बिल्कुल और लोग जो उम्मीदें लगाए बैठे थे कि नदियां बह जाएंगी तो ये हो जाएगा वो उनकी मायूस हो गई आप देखिए कमाल की बात है इसी पांच अगस्त को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अंसारी साहब को भी बुलाया जी अंसारी साहब वो हैं जिन्होंने बाबरी मस्जिद के लिए रिट की थी कि ये यह यहाँ पर बाबरी मस्जिद बनेगी जी, जी जी तो मंदिर की बुनियादें रखने के लिए उन्होंने अंसारी साहब को दावत दी जबकि कोविड का जमाना है बड़े कम लोगों को बुलाया गया था अंसारी साहब वाज वन ऑफ द जैसे कहना चाहिए चीफ गेस्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ और ही पार्टिसिपेटेड ठीक है नहीं तो ये ये है भारत ये आज़ादी की अगर हम आज बात करें तो ये आज़ाद लोग ये ठीक है चौदह और पंद्रह अगस्त को ये आज़ादी की बात है बदकिस्मती से पाकिस्तान में हिंदुओं का जो हाल है इसी कोविड के दिनों में ऐसे बेताशा वाक्य आता है उनको खाना सिली नहीं दिया गया कि वो हिंदू हैं जी सिखों की बच्चियों को फोर्सफुली कन्वर्ट कर दिया गया बाबा नानक साहब की धरती के गुरुद्वारे के ग्रंथी की बेटी मिस कौर को वो आयशा बना कर रखा हुआ है गवर्नर पंजाब ने भी बात सुनी इमरान ख़ान ने भी बात सुनी पाकिस्तान के आर्मी अफसरों ने भी बात सुनी और वो अभी तक वापस नहीं हुई मिस कौर का मसला ये नहीं कि वो एक आज़ाद रियासत पाकिस्तान में पैदा हुई ये पाकिस्तान में रहती हैं तो वो उनको योम आज़ादी मुबारक हो ठीक? ऐसे फिर आपने बात की अहमदी की बात की आपने आज ही एक अहमदी शख्स को जी पिशावर में मारा है अभी पिछले हफ्ते मारा था बिल्कुल बिल्कुल ठीक है फ़ादर को उन्होंने चर्च से उठा लिया है इस्लामाबाद से राइट और उनको चर्च से बेदखल कर दिया है तो ये सब वो पाकिस्तानी है ये कोई गैर मुल्की नहीं है अफसोस की, की बात यह है कि यहाँ पे कनाडा में रहने वाले अहमदीन हमारे वाकफकार वो सोशल मीडिया पे पोस्ट लगा रहे हैं कि हम भारत को सबक सिखाएंगे जी

तो वो, वो मतलब मैं गर्ान में गया हूँ मैंने वहाँ पे एम से बातचीत की उन्होंने कहा हमें तो कभी को मसला नहीं हुआ भारत में जी जी ठीक है और सबसे ज़्यादा भारत के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा मुझे शौक होता है हैरत होती है कि हमारे ये एह दोस्त कर इसकी वजह ये सर ये जितने भी यहाँ पे बाहर आपको नज़र आते हैं ये सब के सब इनका कोई फेथ नहीं होता बेसिकली ये सब के सब फौजी होते हैं ये रिटायर्ड मेजर ब्रिगेडियर सब जो फ़ौज के पुराने एक जमाने भरती थे वो यहाँ आके रहते हैं और फिर उनसे जो है ना फ़ौज के खिलाफ इस तरह की बात करेंगे ना तो वो फिर पाकिस्तानी बन जाते हैं उनको अपने प्यारे भी याद नहीं आते मतलब ऐसे भी लोग वाक़ हुए हैं पिंडी में भी और जगहों पर जहाँ उनको जिंदा जला दिया गया यानी कि हमारा दिल दुखता है हम उनके लिए बात करते हैं इन्होंने आज तक किसी भी ऑपरेस्ट नेशन के लिए बात ही नहीं की अपने के लिए भी नहीं की दूसरों के लिए भी नहीं की सो तो ये एक अनफॉर्चुनेट हर हर उसमें होते हैं लोग दे, नहीं देखिए ये फिर आज़ादी का ये बन गया ना मसला कि एक तरफ जिन को मार पड़ रही है वो भी अपनी आज़ादी की बात नहीं करते जी और जो प्रिविलेज क्लासेस हैं जिनका कारोबारी आजादी के साथ जुड़ा हुआ है ठीक है खासतौर पर मेरे पंजाब के जो जितनी प्रिवलेज क्लासेस हैं, जी। उनका तो कारोबारी आजादी के साथ है चाहे वो आर्मी का कारोबार हो चाहे वो सर्वाइवल उनकी इसी में।, इसी में, अच्छा वो सबसे ज्यादा ना झंडे गाड़ते हैं फिर कैनेडा में आप देख लीजिए हजारों अमरीका में हजारों यूरोप में हजारों कर रहे हैं। मैं कहता हूँ आप जरूर कीजिए मैं भी आपके साथ पाकिस्तान की आज़ादी को सेलिब्रेट करूँगा आप भी शायद करेंगे अगर वहाँ पे सच्ची आज़ादी हो जी जी बिल्कुल ठीक है वो एहसान का आपने इसी आज़ादी के मौका पर इंटरव्यू जो उन्होंने अभी ऑडियो लगाया है वो आजाद है ना हाँ उन्होंने उन्होंने शौक में डाल दिया पूरी कॉम को उनके बारे में पता नहीं ठीक से नहीं चल रहा था किधर गए उनका ऑडियो ये बताता है कि वो उन्हीं की तहवील में थे जी उन्हीं से किसी तरह से वो जान निकाल के अप, अपनी जान बचा के निकले जो उनको पता चला कि भाई मैं इस खून खराबे में कितना पढ़ूंगा अब इसान एहसान जो पाक, पाकिस्तान तरीके तालिबान के रह चुके हैं जो का पिशावर में बच्चों के ऊपर कातलाना हमले जी। के अपने आप को कहते थे हमने करवाया ठीक है वो फिर इनकी दसरस में आए फिर उनसे कहा गया उनके ऑडियो टेप के मुताबिक बिल्कुल कि भाई मुझे ये कहा गया कि एक लिस्ट दी गई कि ये ये दुश्मन है इनको मार दो यानी दुश्मन है ना बेसिकली so जो आज़ाद हैं फिर वो यही लोग हैं हाँ। दहशत गर्द आज़ाद है आतंकवादी आज़ाद है पाकिस्तान में पाकिस्तान में वो वाले क़ैद हैं और उनके ऊपर जो हावी हैं वो आज़ाद हैं हम देखते हैं कि कोई भी अखिलियत कोई भी माइनॉरिटी जो है वो आज भी क़ैद है सुख का सांस कोई भी नहीं ले रहा हमें बोलने का वहाँ पे हक़ कोई नहीं है लिखने का कोई हक़ नहीं है जो ज़्यादा बोलता है उसको उठा लिया जाता है तो ये तो एक क़ैद मुल्क हुआ फिर ये आज़ाद तो नहीं हुआ और चौदह अगस्त अगर आप मनानी है तो आपको इन ये सारी चीज़ों को छोड़ के आज़ाद का होना पड़ेगा इन इन जंजीरों से आज़ाद होना पड़ेगा आप मैं ये समझ देखिए ये इन जंजीरों से पता नहीं आज़ाद होंगे या नहीं होंगे ये इनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है आनीस भाई मुझे हैरत है कि जिस तरह के ये आज़ादी के जशन मनाते हैं अगर इसमें पैसा इनर्जी ज़ाया करने की बजाय इस बात पे ये फोकस दें कि हमने अपने मुल्क को आजाद बनाना है एग्जैक्टली exactly. किस से आजाद बनाना है इदारे अपने अपने काम करें ये सबसे बड़ी यानी इदारों की आजादी हो बिल्कुल लॉ जो है वो सुपरसीड करें कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रेसी हो सु, हो अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई डिस्क्रमिनेटोरी जैसे हैं शिक्षा जैसे एमडीयू के बारे में शेक है, गलत है शेक हुँ, हुँ, हुँ. उसको निकालें या अगर कोई ऐसी बात है कि जी कोई हिंदू क्रिश्चियन सिख प्रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान नहीं बन सकता इसको जी ठीक है अगर ये सब कुछ नहीं है तो वो फिर आप आजाद मुल्क तो नहीं है ना कैद मुल्क है ऑन द अदर हैंड हम भारत की तरफ से देखते हैं तो भारत की तरफ एक मिसाल अभी जिस पे पाकिस्तान कि स्टैब्लिशमेंट का हमेशा प्रोपोगंडा मोदी सरकार पर रहता है कि जी ये हिंदुत्व है ये वो हालांकि जब ये हिंदुत्व कहते हैं तो ये हेटफुल हो जाते हैं हिंदुओं के लिए जी जी, जी ठीक है ना जी लेकिन वो रह, बोलते रहते इनको नजर नहीं आता कि राम मंदिर की तकरीब में अंसारी साहब को बुलाया गया जी। अंसारी साहब वहां पहुंचे जी और वो अंसारी साहब हैं जिन्होंने राम मंदिर बनने की मुखालफत में नहीं थी कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बिल्कुल लेकिन जब मामला सुप्रीम कोर्ट ने हल कर दिया खत्म होगी बात एवरीबॉडी इज ऑन द सेम पेज ठीक है ना ठीक है उसके बाद भी डेसिंग आ रही हैं।, कभी -कभी बोल देते हैं वो अपनी पॉलिटिक्स के लिए कोई और भी बोल सकता है उनका हाँ क्या सर वो एक आजाद मुल्क में हाँ, रहते हैं वो उनको वो वो बोलने दें हाँ, बोलने दें उनको उनको गलत गलत कहें वो भी गलत कहने वालों का भी उनका भी कहने हक हक है उन, उन, उनका उनका भी है उनका उनका तो लेकिन दिस इज द द ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी आप आप एक आप उन, वो कहते हैं कि इसका अगर मैं इसके खिलाफ बोलता हूँ या इसके हक में बोलता हूँ इसका मतलब ये नहीं हो गया कि मैं पाकिस्तान के साथ हो गया ये हमारा अपना इंटरनल मैटर है आप इसमें ना पढ़े हम आपस में ये एक प्रैक्टिस है हमारी हेल्दी डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस वी विल कंटिन्यू डूइंग दैट और मैं समझता हूँ कि ये एक लेसन है जिसे हमें सीखने की जरूरत है कि हम कैसे टॉलरेंट टॉलरेंट टौल, एक सोसाइटी में रहते रहते हैं हिंदुस्तान के लोग कि जहाँ एक दूसरे को टॉलरेट किया जाता है हमारे पास टॉल बिल्कुल नहीं है जैसे कहते हैं कि इन टॉलरेबल सोसाइटी बना के रख दी हमने आपने ज़रा सी कोई बात की मतलब जान को उठा लेंगे अगर आपने ज़रा सी कोई बात की उस शायर को उठा लेंगे तो आप में बर्दाश्त नहीं है जब बर्दाश्त नहीं है तो बर्दाश्त तो आज़ाद माशरू में होती है बर्दाश्त तो आज़ाद रियासत में होती है ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी इज़ द फ्रीडम ना फ्री है ना फ्रीडम है किसी भी तरह का ना आपको मीडिया का फ्रीडम मिल रहा है प्रेस का नहीं मिल रहा आपको बोलने का नहीं मिल रहा आपको जिंदा रहने का हक नहीं दिया जा रहा आपको आप पे फतवे लगा के आपको कत्ल कर दिया जाता है तो अगर ये मेरे ख्याल में एक ओवर हॉल की जरूरत है इस पूरे सिस्टम को जो भी वेल विशर है मैं समझता हूँ उनको ये और सभी वेल विशर हैं आप भी हैं मैं भी इसमें ये गंदे निज़ाम को सही करना है यही आज़ादी होगी आपने जिक्र किया कि इंटॉलरेंस है अच्छा फिर बदकिस्मती क्या होती है कि हमारा जो माइंड सेट एक बना हुआ है पाकिस्तानी माइंड सेट अनफॉर्चुनेटली चूँकि हम भी उसी बैकग्राउंड से आए हुए हैं वो ये बना हुआ है कि हम रिएक्शनरी हो के ना भारत में अगर, अगर कोई एक आध वाक़ा कोई ऐसा हुआ जो कि सच्चे तरीके से हम तक पहुँचा या झूठे तरीके से पहुँचा हमने उस एक छोटी सी मिसाल को ये सोचे बगैर कि वन पॉइंट थ्री फाइव बिलियन लोगों का मुल्क है हम अभी टू ट्वेंटी मिलियन के हैं जी तो हमने उसको कह जी अपनी पूरी पूरी इंटॉलरेंस को जस्टिफाई कर देते हैं उसे तहकीक नहीं करते जी। वैसे भी right. ना, वो तो हो नहीं सकता तो गलती से देंगे और आप सही हो जाएंगे इस तरह से अच्छा फिर ये होता है कि अगर आपको भी है तो एप्पल का कंपैरिजन एप्पल के साथ होगा ना ठीक है ना जी एप्पल का कंपैरिजन जामुन के साथ तो नहीं हो नहीं हो सकता प्लस ठीक है राइट साइज के हैं आपके जो, जो प्रोपोर्शन मत... है उसको देखें लेकिन लेकिन ये चूंकि अब प्रोपागेंडा का दौर इससे बड़ा अभी तक हमने देखा नहीं था जी जी सोशल मीडिया की वजह से प्रोपागेंडा है हुँ. तो इसमें फिर ये ढोल बजाते हैं लेकिन उसका नुकसान क्या नहीं होता है हमारे अपने माइंड के जो लोग हैं इनका नुकसान ये होता है कि ये अपनी फिर ना तस् कर पाते अपने आप को ठीक नहीं कर पाते करते। ये कहते हैं कोई बात नहीं वो अगर हम में ये मसाइल हैं उधर भी मसाइल हैं बल्कि उधर के मसाइल को छोटा मोटा मसला भी है तो उसको अपने मसाइल से कुछ सौ गुना ज्यादा बढ़ा के पेश करते हैं जी। तो ये एक ऐसा चूरन है जो ये बेचते हैं ऐसी अफीम है जो ये खाते हैं ऐसा मंजन है जैसे ये अपने दांत साफ करते हैं बिल्कुल और उसके बाद जब सुबह उठते हैं तो फिर ये हब्बुल वतनी का कारोबार कर रहे होते हैं उसके सर्टिफिकेट बांट रहे होते हैं एक दिन आएगा ये लोगों को पाकिस्तानियों को समझ में आ गई कि वतनी है क्या सर वो बांग्लादेश था अलग हो गया इनको नहीं समझ आएगा हाँ लेकिन अब अगर नहीं आएगा तो फिर अनफॉर्चुनेट होगा सर क्योंकि है देखिए वतनी ये नहीं है जो जिस तरह से टेलीविजन पे और इस तरह से करके आप मना लेते हैं हबुलवती ये कि आप क्वेश्चन करें राइट सवाल करें सवाल उठाएं पूछें उनसे कि हु आर यू आप अमीर क्यों मैं गरीब क्यों ठीक है आप आपकी बात क्यों मानू मेरी बात क्यों नहीं सुनते आप राइट तो आज़ादी मुझे कब मिलेगी मुझे आज़ादी जब मिलेगी जब मैं यहाँ पे खड़े होकर दहल पूछ सकूंगा कि ये इस जनरल के जजीरा ऑस्ट्रेलिया में कैसे बिल्कुल ठीक ठीक है इस, इस ये जनरल रिटायर हुआ उसको क्या पैकेज मिला जनरल से हम क्वेश्चन कर सकते हैं जज से क्वेश्चन कर सकते हैं लेकिन यहाँ कैनेडा में अमरीका में यूरोप में ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे रिटायर्ड फौजी पाकिस्तान के जो बैठे हुए हैं जनरल कर्नल ब्रिगेडियर अच्छे खासे उनके यहाँ पर असासे हैं जी और उनसे भी क्वेश्चनिंग होनी चाहिए। बल्कि मैं तो कहता वो तो बड़े एन वी होकर देखते हैं जनरल का घर है, है छोटे बात है।, है तो ये कितना अमीर मुल्क होगा जिसका जो है ना ये यहाँ पे कैनेडा में रह रहा है इसके पास इतने कैप्टन मेजर नहीं वहाँ के पकड़े जाते लेकिन मसला ये है कि फिर इंटरेस्टिंग बात यह कि यह सवाल जो आप कह रहे हैं कि हमारी बैकग्राउंड के लोग चाहे यहाँ रहते हो चाहे पाकिस्तानी हैं वहाँ पे जो रहते हैं वो ये सवाल करें जी। वो यहाँ पे नारे लगा रहे होते हैं पाकिस्तानी पाक फ़ौज अच्छा हम, हम पाक पाक फ़ौज के मैं को तो जी पर ख़िलाफ़ नहीं हूँ या मैं इंटेलिजेंस एजेंसियों के ख़िलाफ़ नहीं हूँ मैं सिर्फ उनके रोल से ख़िलाफ़ हूँ कि आपका ये काम नहीं है जो यह काम आप कर रहे हैं आपका काम है बॉर्डर्स की हिफाजत करना

हमने वो बात नहीं माननी है हमने, हमने आप अपने हर फेथ में आजाद हैं जाके अपनी इबादत करें अपने घरों में रहें हमने ये बात भी नहीं माननी हमने किसी कौम ने जब अपने सो कॉल्ड फाउंडर की ही बात नहीं माननी तो फिर वो किसकी बात मानेंगे फाउंडर तो चलिए छोड़िए सबसे बड़ा फाउंडर होता है किसी भी कॉम का उसका कॉन्स्टिट्यूशन जी ठीक है कॉन्स्टिट्यूशन फाउंडेशन होती है बिल्कुल होती है आज की

लेकिन जो बुनियाद होती है वो इदारों के किरदार की होती है कि इदारे किस किस तरह अपनी सोवरिटी को बरकरार रखेंगे उनकी, उनकी हद कहां खत्म हो ठीक है अब ये है कि हुबल वतनी का मामला यहां पर भी जो पाकिस्तानी माइंडसेट रहता है इन मुल्कों में भी मेजोरिटी जी और पाकिस्तान में भी खासतौर पर पंजाबी बैकग्राउंड के जो है लोग मैं ये खुल के कह सकता हूं बैकग्राउंड से हूँ वो बदकिस से क्या कर रहे हैं कि उन, उनका यह कहना है कि नहीं हम जो है ना हम इस सारे मामले को आ, इस तरह देखेंगे कि सिर्फ पाक फौज जो है ना वो बेहतरीन है और बाकी सारे गदार होते हैं सियासतदान तो सारे गदार डफर है। हैं ठीक है तो भाई अगर सियासतदान सारे ही गदार हैं तो आप इंस्टीट्यूशन में जब दखल देते आ रहे हैं सत्तर बहत्तर साल से तो अब तो पाकिस्तान को अच्छा हो जाना चाहिए था ना जी चूंकि आप ही के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हाथों में पाकिस्तान है जी तो फिर अभी भी मसाइल नहीं हल हुए, आधा पाकिस्तान कोई किसी सियासतदान ने तो नहीं गुवाया था बिल्कुल वो तो जनरल न्याजी साहब साइन करके आए थे ना बिल्कुल वो तो शुक्र है कि भारत ने उनको जाने दिया कि भाई जाओ वरना तो वो कुछ महीने और रह सकते थे ना सारे नाइन थ्री थाउजेंड ऑफ वॉर बिल्कुल ठीक है हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ मॉडर्न हिस्ट्री में तो कोई मिसाल नहीं है और मेरा ख्याल है किसी एंशंट हिस्ट्री में भी नहीं हुआ होगा तब इतनी बड़ी, फौजी इतनी इतनी नहीं बड़ी हुआ करती फौजी नहीं ठीक है ना तो उसके बाद आप जश्न मनाते हैं जश्न जरूर मनाएं हम भी आपके साथ शामिल होंगे लेकिन ये सारी को खत्म करें और बिल्कुल सही मैं निजाम के, के खिलाफ लड़े जो ये जो जश्न की जश्न है एग्जैक्टली वही मैं कह रहा कहूँ कि ये जश्न मनाने की जो ज़रूरत पेश आती है वो यही आती है कि हमने शायद कुछ हासिल किया हो राइट लेकिन हमने तो कुछ भी हासिल नहीं किया हमने तो अपने खान लियात अली खान को ही खो दिया था हमने तो बेनजीर भुट्टो को ही खो दिया था हमारे जो लीडर हैं हम तो उनको भुट्टो को फांसी चढ़ा चुके हैं हमने तो सब कुछ खो दिया आज तक किसी जनरल को आपने एक कोर्ट में एक जनर सदर नहीं दे सके मुशरफ जिसने के गद्दारी का मर यानी कि मतलब मैं नहीं कह रहा आप नहीं कह रहे टैक्टिवी नहीं कह रहा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान कह रहा है कि आर्टिकल सिक्स आपने गद्दारी की है आइन को तोड़ कर उनको सेफ रास्ते दिए वो चले गए ये बिल्कुल ठीक तो उन, उनको नहीं पकड़ा जाता उनसे कुछ नहीं कहा जाता हम तो उनसे सवाल कर रहे हैं ना अगर उनसे सवाल करना भी गुनाह है उनसे सवाल करना भी गद्दारी तो भाई ठीक है वो बात अपनी जगह लेकिन आप हमें हमें नहीं कह सकते कि यू आर नॉट देशभक्त आपको कोई ये किसी को हक नहीं है कि वो आपको बोले कि आप देशभक्त नहीं हो अगर आप देशभक्त नहीं होते तो ही नहीं कर रहे होते बिल्कुल आप तो आज भी आज भी उनके हां में हां मिला रहे होते ऐसे ही है ना सर हैं हाँ, तो हम तो ये, हम, ये। हम गदारों के साथ होते हैं ना हाँ, हाँ। जिन्होंने मुल्क तोड़ा है जिन्होंने आइन तोड़ा है तो आज मैं और आप बैठे उनकी हमायत कर रहे होते हैं बिल्कुल हमें वतनी का सर्टिफिकेट मिलता कैसा अलमिया है उल्टा ऐसे निज़ाम चल रहा है ठीक है ना आज़ादी अजीब आजादी अरे फिर अब वाइस वर्षा देख लें दूसरी तरफ भारत में आज तक कॉन्स्टिट्यूशन के को किसी ने टच नहीं किया तोड़ने की तो बात दूर की बात है और दूसरी बात यह है कि मैं जो ब्यूटी में शायद आपसे ऑफ़ द रिकॉर्ड भी बात हो रही थी कि भारत की ब्यूटी ये है कि वहाँ पर नैब वैब इस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं है वहाँ का सी बी आई का अफसर इतना मज़बूत है वो जाके किसी एम एल ए को यूँ पकड़ के हथकड़ी लगा के कोर्ट में पेश कर सकते हैं और उसको कोई छुड़ा नहीं सकता लेकिन वो भी तब ऐसा ड्यू, करेगा। ड्यू कोर्स करते हैं ड्यू, ड्यू कोर्स। अपना पूरा वारंट लेते हैं इन्वेस्टिगेशन करते हैं, लेकिन उसके बाद उस होम मिनिस्टर या कोई माइकल लाल नहीं और कर वो कोई भी वहां डिसपियर नहीं होता ना हाँ। पता ही नहीं चले की निजाम हर जगह ठीक है फलां जर्नलिस्ट यावड़ी या इस लेवल का कोई आदमी भारत में हो और पता ही नहीं चले कुछ दिन तक वो है है

इट्स ए टाइम टू रीविज़िट राइट राइट रे टाइम टू थिंक और मैं समझता हूँ कि uh, इस तरह साल पे साल गुजरते चले जाएंगे uh, सिर्फ तराने गाने से और परचम बना लेने से और हरी हरा वाइट शलवार कमीज पहन लेने से मसला हल नहीं होगा मसला हल होगा कि इस कॉम के बीस बाईस करोड़ लोगों की जिंदगी का सवाल है सर और वी आर एट ए वर्ज ऑफ ए क्लैप्स फाइनेंशल एकनॉमिक और मॉरल हर तरह से हर तरह से तो इस इस कोलेप्स को रोकने के लिए इसको बचाने के लिए फिर आजादी होगी देखिए ना पाकिस्तान के अगर आप तीन चार बड़े बड़े मसाइल देखें सबसे बड़ा फाइनेंशियल क्रंच आज बहत्तर साल बाद अगर हम जी उसके बाद लॉलेसनेस कोई एथनिक कम्युनिटी या रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी सेफ नहीं है ठीक है और डेमोक्रेसी के साथ खिलवाड़ हो रहा है अच्छा और वो वो मतलब खिलवाड़ तो छोटा शायद लफ्ज़ है, है ही नहीं फैक्ट ये मैंने खिलवाड़ इसलिए भी इस्तेमाल किया कि हमारे सारे क्रिकेटर आके जो है न हाँ। वो मुल्क चलाने की कोशिश करते हैं तो कभी जावेद मिजाज भी तैयार हो जाते हैं कभी शाहिद अफरीदी भी तैयार हो जाते हैं कभी शोएब अख्तर भी तैयार हो जाते हैं इमरान ख़ान को भी बना दिया और मैं ये समझता हूँ कि जो हॉकी के स्कॉश के और गिली डंडा के प्लेयर हैं वो भी आगे आएँ उनको भी मौका दें थोड़ा सा मुल्क के साथ खेलें यानी कि इमरान खान अब ये मैं आपको पाकिस्तान हिंदुस्तान के छोटा सा कौन, वो बता देता इमरान खान की जो वैल्यू मेरे नज़दीक है वो इतनी है जितनी नवजोत सिंह सिद्धू की है कि उसको कहीं एक आध एम एल एलकोट का कहीं बना देते हैं तो वो चलो मैं हाँ। वहां तक तो मान लेता लेकिन अब ये तो नहीं हो सकता कि नवजोत सिंह सिद्धू आके जो ना प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बन जाए बिकॉज बिकॉजर ठीक है उसने कोशिश की थी वैसे चीफ मिनिस्टर पंजाब बनने की वो भी नहीं बन सका तो अब वो कहा नजर ही नहीं आ रहा

वो, श, वो शाम को छः बजे के बाद ऐसी ऐसी बातें कर जाते हैं कि मतलब काफ़ी देर तक हंसी आती रहती है हाँ नहीं वो चलिए वो हंसी आती रहे या कोई ऐसा प्राइम मिनिस्टर हो जो काम को रुलाता रहे इस सब का फ़ायदा क्या है ठीक है इस सब का फायदा क्या है जो बड़े बड़े इशूज़ हैं आपकी इनर्जी क्राइसिस इतना खौफनाक है फाइनेशियल क्राइसिस इतना खौफनाक है आपका जो पोलिटिकल सेटअप है वो इतना खौफनाक है ह्यूमन राइट्स की जो सिचुएशन है वो इतनी बलीक है और सबसे मसला जो कंट्री के अंदर आप पाकिस्तान का कोई टीवी चैनल उठा लीजिए उसमें इतने पैटी इश्यूज होते हैं जी कि किसी दो सौ मिलियन के लोगों में वो कोई इशू होते हैं नहीं होते हैं। बिल्कुल नहीं होते और दूसरी बात यह कि हम मतलब उनसे सवाल करना चाहिए कि आप इससे हासिल क्या कर रहे हैं आप इससे चेंज क्या लेकर आ रहे हैं जो एक मासेस के साथ मासेस के माइंड के साथ आप खेलते हैं आप चेंज क्या लेकर आ रहे हैं तो वो उन, उनके पास कोई जवाब नहीं होगा हमारा इंटेलिजेंसिया काम ही नहीं कर रहा लोगों का माइंड बनाने के लिए हमारा जो इंटेलिजेंस एजेंसी है वो काम कर रही है लोगों का माइंड चेंज करने के लिए जी, वो वो माइंड चेंज करने के लिए पूरी कोशिश लेकिन करते जो इंटेलिजेंसिया दानिश्वर तबका है नहीं। शायर अदीब राइटर जर्नलिस्ट कोई काम ही नहीं कर रहे या वो वो तो गिवअप कर चुके हैं या फिर ये कि वो वो भी बेशतर तो उसी निजाम का हिस्सा बन चुके हैं जी और उन उसी निज़ाम के मफादात के पीछे लगे हुए हैं और वो सोचते भी नहीं हैं जी अपनी गज़ल नज़म <laughs> से बाहर निकल के ठीक है ना वो उन, उनको भी वाह वाह चाहिए आ, इसके अलावा वो कुछ बहुत नहीं सोचते उनमें से जो बेचारे सोचते हैं जी वो फिर गायब हो जाते हैं बिल्कुल बिल्कुल अब मैं अगर ये सूरत हाल देखूँ तो मैं अब उनको भी कसूरवार नहीं ठहराता या वो फिर जान बचाएं अपनी जान बचाएं उन्होंने भी सोच के दरवाजे बंद कर दिए अक्सरियत ने चूंकि उन्होंने देख लिया जो थोड़े से को दो चार परसेंट सोचते हैं उनका क्या है? आपको एक बात बताऊँ मेरे बहुत सारे लोगों से बात होती है बड़े बड़े पाकिस्तान के जर्नलिस्ट आप यकीन करें जी ताहिर भाई टैग टी के प्रोग्राम और आपकी बातों को ऐसे देखते हैं कि यार यू आर हमारे दिल की बात कर रहे हो आप बस हम बोल नहीं सकते या। नहीं वो नहीं तायर भाई जाना। बोल जाते हैं अनिस भाई बोल जाते हैं लेकिन वो बेचारे बोल नहीं सकते मैं आपको बताऊं अगर मैं अभी नाम नहीं लेना चाह रहा वरना वो जी, जी, वो मुश्किल में आएंगे बेचारे मुश्किल में आएंगे वो लोग और उनको ये भी कहा गया कि ताहिर भाई को अनफॉलो करो अनीस फारूकी को अनफॉलो करो और तो और उन्होंने किया हाँ, फिर मुझे इनडायरेक्टली कहा यार समझा करो राइट राइट तो ये आज़ादी इनकी आज़ादी इतनी है कि वो किसी को फॉलो भी नहीं कर सकते बिल्कुल ऐसे आज़ाद मुल्क में रहते हैं कि वो किसी को ट्विटर पे फॉलो भी नहीं कर सकते वो किसी से बात भी नहीं कर सकते उनका व्हाट्सअप हैक होता है उनके फ़ोन जाके चेक होते हैं वहाँ आपको पता है एक कर्नल साहब हैं वो बैठ के ट्विटर अकाउंट खोलते हैं जर्नलिस्ट का और उसमें से अनफॉलो को अनफॉलो 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 करते हैं कैन यू बिलीव दिस कि हमारा स... पैटिनस की बात की ना आपने ये पैटिनस है हमारी कि कर्नल साहब को ये पसंद नहीं है कि आपका कोई जर्नलिस्ट किसको फॉलो कर रहा है किसको नहीं कर रहा है राइट सो वट इंडिपेंडेंस इज सर मेरे ख़्याल में बड़ी मायूस कौन लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर हम अपने पड़ोस से कुछ सीखें तो वहाँ तरक्की हो रही है विकास हो रहा है और उसका उसका एक मॉडल हमारे पास मौजूद है बहुत बहुत शुक्रिया चौदह अगस्त पंद्रह अगस्त क्या बात करें साहब क्या आज़ादी कैसी आज़ादी था असलम गौरव साहब का शुक्रिया अदा करते हैं आप पाकिस्तानियों आपने घबराना नहीं है चौदह अगस्त में आपने फिर ये जुमला सुनना है कहीं ना कहीं आपको ये डायलॉग सुनने को मिलेगा तो मैं भी दोहरा देता हूँ कि आपने घबराना नहीं है और हिंदुस्तान के जो भी मेरे दोस्त भाई बहन मित्र देख रहे हैं हम मैं यही कह सकता हूँ कि जो एक गीत आप लोग गाया करते थे कि हम होंगे कामयाब एक दिन तो आज पाँच अगस्त और पंद्रह अगस्त के हवाले से वेल डिजर्व सेलिब्रेशन एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू एवरीबडी अनिस फारूकी का प्रोग्राम यहीं तक था इजाज़त दीजिएगा हैव अ ग्रेट इवनिंग सब्सक्राइब टैक टी YouTube यूट्यूब चैनल एंड प्रेस का नोटिफिकेशन पा